हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ में एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगी। वैसे तो मेरा रूम छोटा है, बट हर लड़की के लिए शादी के बाद उसका कमरा बिल्कुल महलों जैसा होता है। तो चलिए अब मैं पर्दा हटाती हूँ। और राइट साइड में मेरा डबल बेड रखा हुआ है, और बेड के ऊपर जो युवान के टॉयज रखे हुए हैं, एक टैडी बियर है और एक पफी है, ये दोनों से बहुत ही अच्छे से खेलते, उसे इनसे खेलना बहुत पसंद है। और दोनों टॉयज के बीच में एक जो पिलो पड़ा है, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी के बाद, जो मेरा फर्स्ट बर्थडे आया था, तो मुझे गिफ्ट किया था उन्होंने। जो बेड का हेड है, वहाँ पे मैंने कुछ कुशंस रखे हैं। और बेड के राइट साइड में वहाँ पे मेरा ड्रेसिंग टेबल है, और ड्रेसिंग टेबल के साथ में ही मैंने एक छोटा सा पफी रखा हुआ है। ज़्यादा तो जगह नहीं है और यहाँ पे, बट मैंने छोटा सा रखा हुआ है, बिकॉज ऑफ कभी मुझे अगर रेडी होना होता है तो मैं इसी पर बैठ के तैयार होती हूँ। बेड का जो लेफ्ट साइड है, वहाँ पे एक विंडो है, और विंडो को हमने एक पर्दे से कवर कर रखा है। जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो हम इस जो ये पर्दा इसे हटा दें, बाहर की तरफ से कूलर रखा हुआ है, तो गर्मियों में हमें इसे चलाना पड़ता है। और यहाँ पे मेरा एलईडी और सेटअप बॉक्स लगा हुआ है, और एलईडी के ऊपर छोटे से स्पीकर के बॉक्सेस हैं। और साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक फ़ोटो फ्रेम है जिसमें मैं, युवान और उसके पापा हैं। हम लोग पंजाबी हैं, तो जब युवान की फर्स्ट लोहड़ी थी तो हमने उसे सेलिब्रेट किया था, तो ये वहीं की फ़ोटो है। उसी फ़ोटो फ्रेम के साथ में एक और फ़ोटो फ्रेम है, तो इसके अंदर मैं और युवान है। जब युवान का बर्थ हुआ था तो हॉस्पिटल वालों ने ही हमें ये फ़ोटो फ्रेम दिया था, और युवान उस टाइम जब पैदा हुआ था तो बहुत ही सुंदर था और बहुत हेल्दी था। उसी के साइड में यहाँ पे स्पीकर्स हैं, और स्पीकर में युवान राइम सुनता है। तो अभी जो युवान है वो सिर्फ 1 साल का है, तो उसके लिए हम फ़ोन उसे अभी नहीं देते हैं, और ना ही हम उसे ज़्यादा टीवी देखने देते हैं। और ये मेरा ड्रेसिंग है, इसके साइड में हमारा फ़ोटो फ्रेम है, इसके अंदर हमारी जो फ़ोटोज़ हैं वो शादी की हैं। अब ये मेरी शादी की है, और ये वाली मेरे रिसेप्शन की है। इसमें कुछ फ़ोटोज़ और भी हैं। ये वाली मेरी फ्रेंड है, उसकी एंगेजमेंट थी तो हम वहाँ गए थे, वहाँ की हैं। फ़ोटो फ्रेम के ऊपर थोड़ा साइड में वहाँ पे वॉच लगाई हुई है मैंने, और वहाँ पे एक दरवाज़ा है, दरवाज़े से हम लोग बाहर जाते हैं। ये दरवाज़ा स्टेयर्स के लिए जाता है। एक्चुअली हमारा जो रूम है वो सेकंड फ्लोर पे है, तो हम लोग यहीं से अंदर आते हैं। गेट से अंदर एंटर होते ही राइट साइड में हमने अलमारी रखी हुई है, और अलमारी के साथ में एक और दरवाज़ा है, तो वो दरवाज़ा से हम बाहर जाते हैं, और जो मैंने अभी दिखाया था आपको, उससे हम लोग नीचे जाते हैं। इसी दरवाजे से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की थी। बेड के साइड में मैंने एक बास्केट रखी हुई है, और बास्केट में युवान के छोटे मोटे कपड़े हैं, जो हमें कई बार रात को ज़रूरत पड़ती है का यूज़ कर लेती हूँ। और जो युवान के जो कपड़े हैं वो मैं नीचे रखती हूँ, बिकॉज हमारे रूम में इतनी जगह नहीं है कि मैं उसके कपड़े यहाँ पे रख पाऊँ, तो मैं वही कपड़े रखती हूँ जो हमें यहाँ पे रात को चाहिए होते हैं। और बास्केट को मैंने एक प्लास्टिक के टेबल पर रखा हुआ है। ऊपर साइड में एक छोटा सा टेडी है, युवान को टेडी बियर बहुत पसंद है, तो मैंने एक बेड पे रखा हुआ है और एक यहाँ पे टांग रखा है। और ये बोर्ड है, बोर्ड पे छोटे छोटे शोपीस रखे हुए हैं, और कुछ इस तरह से दिखता है मेरा रूम थोड़ा सा जब हम दूर होते हैं। बेड के साइड में थोड़ा नीचे मैंने यहाँ पे फ्लोर पे मैट बिछाया हुआ है, और मैट से क्या होता है कि जो बेडशीट है वो गंदी नहीं होती है,
तो इसमें हम पैर पोंछ के ही बेड पे चढ़ते हैं। मेरा जो पूरा रूम है वो इस तरह से दिखता है। मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा दूर होके दिखा देती हूँ। ये देखिए। और गाइस, आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ, जो भी व्लॉग्स बनाऊँ, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस पर मैं वो सब कुछ शेयर करती हूँ जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ, और जो युवान करता है, युवान अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो वो काफ़ी फनी एक्टिविटीज़ करता है, तो वो सारे व्लॉग्स में मैं ज़रूर डालूँगी। तो चलिए, अब मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ अपना कमरा। वीडियो स्टार्ट मैंने इसी गेट से की थी, और ऊपर हमने शेड लगवाया हुआ है। बारिशों में काफ़ी दिक्कत होती है, पानी अंदर भर जाता था, तब भी हम लोगों ने शेड लगवाया। और ये मेरी वॉशिंग मशीन है, साइड में पानी की टंकी है, और उसके साइड में कूलर है। ये ट्रंक है, इसके अंदर हमने सारा फालतू सामान डाला हुआ है। गेट के साइड में ये वॉशरूम है।